सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, और इसे बच्चे लोगों को याद करने में काफी कॉम्प्लिकेशन होता है। तो मैं आपको एक इजी ट्रिक बताऊंगा, लेकिन स्टूडेंट आपको याद रखना है, उस ट्रिक में एक चीज कैंसिल करना है। अगर वो चीज अगर आपने कैंसिल नहीं किया तो आपका पूरा फॉर्मूला रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो पहले वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम मतलब क्या, समझो आपके घर का बकेट और आपको उस बकेट के अंदर पानी भरना है, ओके ना। आपको पता है अगर आपको किसी घर के बकेट में पानी भरना है तो डिपेंड करता है उसका लोअर सर्कुलर पोर्शन और अपर सर्कुलर पोर्शन। वो जितना बड़ा होगा पानी उतना ज्यादा जाएगा। ओके, सो ये चीज तो आपको समझ में आ गया। तो देखते हैं अभी वॉल्यूम, मैं वॉल्यूम यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे मैं कोन का ही वॉल्यूम लिख रहा हूँ, 1/3 πr² h। और आप सभी को पता है यहाँ का जो आर है कोन का, वो फ्रस्टम में आते आते R1 और R2 में बदल जाता है। ज्यादातर तो प्लस में बदल, देखो हर एक फॉर्मूला में हमने प्लस में ही किया है, यहाँ पे भी प्लस किया है, यहाँ पे भी प्लस किया है, सिर्फ एक जगह पे माइनस किया है, वो स्लांट हाइट के लिए। ये सब चीजें भूलना नहीं स्टूडेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, एग्जाम में आपको ये सारी चीजें याद रखना है। तो मैं पहले 1/3 लिख लेता हूँ क्योंकि वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम में भी 1/3 आएगा ही। ओके, पाई को भी अपने जगह पे लिख देता हूँ। ओके स्टूडेंट, तो पाई भी आएगा ही। ओके, एच एच भी आएगा क्योंकि एच अपने जगह पे रहेगा। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि चीजें बदलती क्या है, चीजें बदलती है सिर्फ ये, मतलब ये आर के बदले हो जाता है R1 + R2, और स्क्वायर है इसके लिए स्क्वायर। तो आपको पता है इतना ही बदलता है, लेकिन आप यहां तक लिखोगे तो आपका फॉर्मूला रॉन्ग है स्टूडेंट। अभी आपको क्या करना है स्टूडेंट, देखो एक चीज मैंने आपको पहले से बता रहा हूं, आपको एक चीज कैंसिल करना है। ओके ना स्टूडेंट, πr h लिख दिया, ये सिर्फ ट्रिक के लिए याद रखना स्टूडेंट। ओके, तो ये देखो आपको ये क्या दिख रहा है, a + b² जैसा दिख रहा है क्या? तो इसको लिख दो ना स्टूडेंट, a + b² के इसमें, मतलब a² मतलब R1 का स्क्वायर + 2 ab मतलब 2 × R1 × R2, ठीक है ना, a × b + b² मतलब R2 का स्क्वायर। ओके, आपने पूरा लिख दिया स्टूडेंट, मैंने आपको बोला एक चीज आपको कट करना है, सिर्फ कट कर लो ये 2 को स्टूडेंट, इस 2 को आपको कट कर देना है, बस आपका फॉर्मूला रेडी है। देखो स्टूडेंट, आपको सिर्फ लिखना है 1/3 πh, जो प्लस वाला है ना उसको एक साथ लिख दो स्टूडेंट, R1 स्क्वायर + R2 का स्क्वायर और +R1 × R2। देखो स्टूडेंट, आपका फॉर्मूला रेडी है और एकदम इजीली आपको एग्जाम में भी आ जाएगा। बस आपको यहाँ पे यही ट्रिक याद रखना है कि आपको यहाँ पे एक चीज कट कर देना है, वो है ये 2 को, इस 2 को आपको कट कर देना है, तो आपका फॉर्मूला फ्रस्टम का रेडी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वॉल्यूम का है। ओके स्टूडेंट, सो एग्जाम में ये सारे ट्रिक याद रखना। तो आज हमने सीखा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। आज के बाद जितने भी मैथ्स के वीडियो आएंगे वो एनिमेटेड आएंगे, मुझे पता है आप सब एक्साइटेड हो। तो ये रिलीज होने वाला है 12th में दोपहर 12 बजे। यस, 12th में दोपहर 12 बजे से। अब ये किस तरह के वीडियो आएंगे, स्पेशली ये वीडियो आएंगे स्टूडेंट्स के लिए, 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए, 9th के लिए एंड 8th के लिए। इसीलिए पहले वीडियो में मैंने मैथ स्किल को कैसे इम्प्रूव करें वो सिखाया है, और धीरे धीरे हम 8 और 9th के वीडियो भी अपलोड करना स्टार्ट करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और स्कूल स्टूडेंट की तरफ इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप हमारे कोई भी वीडियो को मिस ना करें। अभी जो ये टाइम टेबल आपके स्क्रीन में आने वाला है वो SSC सेक्शन के लिए है, ये टाइम टेबल इसी तरह फॉलो होगा, हम लोग एवरीडे एक सम अपलोड करेंगे। ओके, बट अगर आपको हमारे कंसेप्ट अच्छे लगने लगे, आपको हमारे सम करने के तरीके अच्छे लगने लगे, तो हम धीरे धीरे ज़्यादा सम अपलोड करते रहेंगे। हम लोग रोज एक ही सम इसलिए अपलोड कर रहे हैं ताकि हम जान सके कि आपको हमारे कंसेप्ट कैसे लग रहे हैं। धीरे धीरे जैसे आपके लाइक्स बढ़ जाएंगे और आपको हमारा कंसेप्ट अच्छा लगने लगेगा, हम एवरीडे सम को बढ़ा देंगे। हो सकता है हम एवरीडे 3 सम या 4 सम अपलोड करें। हम लोग चाहते हैं कि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जाए, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा हर एक जन के पास शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे आज क्वारंटाइन में घर पे बैठे वो हमारे वीडियो देख के अच्छे से मैथ्स को सीख सके। और याद रखिए,
जो भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो एक स्टोरी से लिंक होगा, ताकि एग्जाम टाइम पे आप कोई भी सम ना भूलो, आपको याद आ जाए। ये एक नया तरीका है, देखते हमारा कंसेप्ट आपको कैसा लगता है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक करो, इसे शेयर करो, और अगर आपने ये कर दिया तो हम आगे और वीडियोस बनाएंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिल सके।